दोस्तों, आज के वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक के बारे में हमने इस चैनल के ऊपर कभी भी बात नहीं की है। वो टॉपिक है दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। हालांकि मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने होते हैं, उसके लिए क्या टिप्स है। हालांकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन सोचा आज के वीडियो में आपको एक बोनस टॉपिक के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो सेटअप टोटली चेंज दिख रहा है, ये कुछ दिनों का सेटअप है, ये परमानेंट सेटअप है नहीं। इसका रीज़न ये है कि मैं आउट स्टेशन हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेरे घर का जो टोटल सेटअप होता है वो नहीं है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, ये चैनल आपको दिख रहा है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं फार्मेसी के रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। दूसरी बात कि इस वीडियो में जो मैं आपको स्लाइड शो दिखाने वाला हूँ पावर पॉइंट के ऊपर, वो शायद आपको उल्टा दिखे, क्योंकि ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये फ्रंट कैमरे से हो रहा है, तो मे बी आपको ऐसा लगेगा वीडियो उल्टा दिख रहा है। इसके लिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बैक कैमरे से मैंने ट्राई किया, लेकिन जो बैक कैमरे वाला मोबाइल है वो है वन प्लस, और मेरा जो माइक है उसका जो कॉर्ड है वो सी टैप है नहीं, तो इसलिए मैं माइक नहीं एडजस्ट कर पा रहा था। तो इसको प्लीज़ इसको एडजस्ट कर देना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। एग्जाम में पेपर लिखने से पहले सबसे नंबर वन पॉइंट जो आता है वो आता है इट टोटली स्टार्ट विद द मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो कितने मार्क्स के लिए है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप दो मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हैं और दो मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर आप चार पेजेस आंसर लिख रहे हो, तो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता, और आपका ये टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, और आपका बाकी का जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो शायद छूट सकता है। इसलिए कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कौन से भी क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर लिखने से पहले। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे कि उन्हें ऐसा लगता है ये क्वेश्चन का मुझे आंसर आ रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं, लेकिन कई बार ज्यादा आंसर लिखने के चक्कर में या फिर ज्यादा आंसर डिलीवर करने के चक्कर में अपना वो 3 घंटे का जो टाइम होता है पेपर का उसको वो कंज्यूम कर देते हैं, और जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के 8 मार्क्स के, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं बचता और अल्टीमेटली कम मार्क्स हो जाते हैं। इसलिए कितने कौन से चीज़ को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम लोग, विच सब्जेक्ट एंड इट्स रिक्वायरमेंट। दोस्तों देखिए, कौन सा सब्जेक्ट है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फार्माकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन चाहिए। हालांकि जो एंड में पॉइंट आने वाला है उसमें मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आखिर में कौन से सब्जेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे, उसमें आपको थ्योरी लिखने से कुछ भी फायदा होगा नहीं। इसलिए कौन सा सब्जेक्ट का पेपर लिख लो उसके ऊपर आपका टोटल क्वेश्चन पेपर या फिर आपका आंसर शीट है वो आती है। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आते हैं दोस्तों, लेट स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको मैं आपको टोटली डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा कि एग्जैक्टली उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल, हालांकि आपको ये उल्टा दिख रहा है टोटली, लेकिन एडजस्ट कर लेना व्हाट इज सेल। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक है, लेकिन आपको जो थोड़ा सा आइडिया है इस क्वेश्चन से आ जाएगा। सपोज मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज सेल, ये 2 मार्क्स के लिए है, तो 2 मार्क्स के लिए क्या होगा, आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी 3 या 4 सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। इतना लिखोगे फिर भी सफिशिएंट हो जाएगा। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो आपको पूरा 1 पेज लिखने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा है यूनिवर्सिटी की जो बात होती है, यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, सेशनल एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 2 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है। आखिर में व्हाट इज सेल है तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में 3-4 सेंटेंस लिखने हैं, फिर भी आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो आपको क्या लिखना है, इस 4 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन लिखनी है और सेल की जो टोटल क्लासिफिकेशन होता है, सेल अगर आप पढ़ोगे टॉपिक तो आपको पता चलेगा कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इन सारा जो क्लासिफिकेशन होता है, बहुत बड़ा वाला क्लासिफिकेशन होता है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। अगर यही सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, देखो यार, क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर चेंज होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट वहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर होती है। सपोज मान लीजिए यही क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए, सपोज यूनिवर्सिटी पेपर में सेल के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, क्लासिफिकेशन भी लिखना है, और उसके साथ वो जो क्लासिफिकेशन है उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। देखो यार, जो टिश्यू होती है उसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, या कंस्टिट्यूएंट्स में आखिर में उनका काम क्या होता है, कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर मिल जाती है, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के कौन से पार्ट में होती है, ऐसे जो डिटेल में जो आपका एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको
एट मार्क्स के लिए या फिर सिक्स मार्क्स के लिए लिखना पड़ता है। एट मार्क्स के लिए या फिर सिक्स मार्क्स के लिए चार पांच पेजेस भी आपका आंसर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। देखो मैंने मेरा जो स्पीड होता था, मैं क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा खींचता था, मेरा जो हैबिट थी वो एक छोटे से आंसर को भी बहुत ज़्यादा खींचने की थी, लेकिन उसके साथ में ये भी ध्यान रखता था कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए। अगर ये दो तीन मार्क्स के लिए तो उसको मैं ज़्यादा नहीं खींचता था, लेकिन भाई क्वेश्चन अगर आठ मार्क्स के लिए तो उसको खींचना ही पड़ता है। यूनिवर्सिटी पेपर्स में आपको थोड़ा सा आंसर आपका ब्रॉड भी लिखना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री के स्टूडेंट होते हो, 12वीं या फिर 12th के जैसे पेपर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये बात हमेशा कंसिडर करना दोस्तों। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, एक आपको एडिशनल टिप देना चाहता हूँ, इस सारी चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूज डायग्राम फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। दोस्तों फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यार, कौन से भी सब्जेक्ट की हर एक रिक्वायरमेंट होती है, वैसे एनालिसिस का होता है कि डायग्राम अगर आप अच्छी तरीके से पढ़कर जानते हो तो उस डायग्राम के बारे में आपको काम, उसकी वर्किंग कैसी होती है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है, उसका यूज़ क्या होता है, वो चीज़ें आपको जल्दी आ जाएगी, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम के अंदर आपको उसका नेमिंग भी करनी होती है, उस नेमिंग की वजह से होता ये है कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है उसके साथ वो आ जाती है, और जो पेपर चेक करने वाला इंसान होता है उसको भी पता चल जाता है कि अगर इसने डायग्राम अच्छे से निकाली है तो एटलीस्ट इसको ये कंसेप्ट टोटली इस डायग्राम के रिलेटेड है, ये आखिर में ये क्या चीज़ है वो उसको पता है। इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की वजह से आपका भी टाइम बचता है और जो पेपर चेक करने वाला है उसका भी टाइम बचता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पेपर चेक करने वाले लोगों का अगर टाइम बचता है तो आपको अच्छे मार्क्स वो देते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, डोंट यूज थ्योरी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चीज़ मैं करता था फर्स्ट ईयर में। एक्चुअली मेरा जो केमिस्ट्री है उसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा हुआ करता था, मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था, लेकिन उस टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, ये बात मुझे समझ में आई। तो बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं कि रिएक्शन से बचने के लिए थ्योरेटिकल पेपर लिख कर आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पेपर का कुछ भी यूज़ नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको रिएक्शन आती है तभी आप पास हो जाओगे, रिएक्शन अगर आपको अच्छे करने हैं तो आपके लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैं करता था वो आपको बताता हूँ, एक मेरे पास नोटबुक हुआ करती थी और एग्ज़ाम से पहले हर एक रिएक्शन को उस नोटबुक में मैं लिखता जाता था और उसके साथ समझता जाता था कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन में क्या है, तो पेपर के वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। ये सेम चीज़ आप कर सकते हो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको उतना ही ज़्यादा इजी आ जाएगा। अब दूसरी बात इसके साथ करती है क्लासिफिकेशन की, फार्माकोलॉजी के लिए। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, और यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी आपको मिल जाता है। देखो अगर आप क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्माकोलॉजी इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसके साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आनी चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से करोगे तो आपको उतना टाइम बच जाएगा और जो एक्सप्लेनेशन करने का जो टाइम होता है वो आपको बच जाएगा। हालांकि सिक्स मार्क्स के लिए या फिर एट मार्क्स के लिए क्वेश्चन जब आता है तो क्लासिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं तो फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि फार्माकोलॉजी के फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपको ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं होंगे, लेकिन थर्ड फोर्थ में ज़रूर होंगे, जहाँ पे ड्रग्स आपके साथ आ जाएंगे, ड्रग्स की आपको पढ़ाई आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब कुछ मुझे लगता है यही सारे पॉइंट थे, है ना। लास्ट में एक पॉइंट है और, राइट आंसर योर ओन लैंग्वेज एंड ट्राई टू स्टिक विद क्वेश्चन। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा खींचने के चक्कर में जो क्वेश्चन था मैं उसको ही छोड़ देते, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन किस चीज़ के लिए पूछा गया है वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फालतू में कुछ भी लिख कर आओगे तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपका टाइम भी बर्बाद होने वाला है। तो हम हमेशा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन के साथ स्टिक रहना है, आपको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अल्टीमेटली थोड़ा घुमा फिरा के तो बात कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं घूमना है कि आप दूसरे गांव में चले जाओ, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये मुझे लगता है सारे कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है आपका क्वेश्चन पेपर लिखने से भी पहले। ये सब कुछ पॉइंट अगर आप ध्यान में रखोगे तो जो टिप मैंने आपको बताई है, जो चीज़ें आपको हमेशा मैंने बताई है, वो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। ये था आज का वीडियो। वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये जो बैकग्राउंड की स्क्रीन है वो मिरर कास्ट हो गई है, यानी वो टोटली डिफरेंट दिख रही है। उसके साथ ये फ्रंट कैमरा है, उस वजह से ये जो टोटली वीडियो है ये वो उल्टा दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो आपको मैं बात करना चाहता था वो आपके साथ डिलीवर हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है, पॉसिबल हो जाए तो स्लाइड के स्क्रीनशॉट में बाजू में ऐड कर दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।